मुर्दे है या कुछ भी है, मगर अब अब हम बैठेंगे और वो भी बैठेंगे, हम लोगों ने ये तय किया आपस में बैठ करके तय करेंगे कि हाउ टू टैकल। लेकिन कुर्बानी पर फिर वजाहत मैं कर दूं डॉक्टर, दिस इज अबाउट 17th अमेंडमेंट एंड 48(2)(b) फेसिंग कोर्ट इज नेचुरल अमल है, वो तो नेचुरल अमल है कि आप अगर एनआरओ लैप्स होगा तो कोर्ट ही फेस किया जाएगा। तो मैं नहीं कहूंगा कि वो छोड़े। अल्ताफ हुसैन साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि मुल्क लूटने वालों को, करप्शन करने वालों को, पैसा बाहर ले जाने वालों को, इन सब का कड़ा एहतजाब होना चाहिए, इनको अदालतों में जाना चाहिए। ये बात की और एम क्यूम कर भी रही अल्ताफ भाई अच्छा उसके साथ से नहीं, उनका ये स्टैंड है, अच्छा अब वही शख्स फ्यूडलिज्म खत्म और फ्यूडलिज्म का खात्मा यही होगा। ये अभी एनआरओ के सारे बिल्कुल कहा ना कि हम करप्शन, ये कह रहा हूँ कोई नया स्टैंड नहीं, इसकी वजाहत कर रहा हूँ, एम्फसाइज कर रहा हूँ, स्ट्रेस जो मैं कर रहा हूँ नया स्टैंड नहीं। मेरी गुजारिश ये है कि वही बात बिल्कुल वो बहुत अपीलिंग बात है, क्योंकि एमकेएम अब मुल्क में बाकी हिस्सों में एक बड़ी मजबूत नजरिए के साथ जा रही है। अब आपने कहा कि पैसा जिन्होंने मुल्क का लूटा, बाहर लेके गए, एनआरओ करप्शन के इल्जाम जिन पे थे, एनआरओ को तहफ्फुज़ फराहम करते, काला कानून है, ये अल्ताफ भाई ने कहा। जी जी बिल्कुल कहा है। उसके साथ ही आप नजर आ रहे हैं उन्हीं शख्सियत के साथ जो एनआरओ की सबसे पहले जिनमें तलवार गिरनी है, फिर आप उनके साथ खड़े हैं। तो देखिए ये क्या सियासत है डॉक्टर साहब, मतलब या तो आप कहें ना भाई इस आदमी के खिलाफ है हम, इस आदमी ने लूटा, ये एनआरओ ज्यादा है, हम इससे नहीं मिलेंगे, हम किसी और से मिल लेंगे, हम रजा रब्बानी से किसी और से मिल लेंगे। अब एनआरओ ज्यादा शख्सियात के साथ आप खड़े हैं और एनआरओ के खिलाफ बात हो रही है, तो ये क्या है डॉक्टर साहब? मिलना जुलना एक जमहूरी अमल का हिस्सा है। अब अगर वही लोग एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं तो हम उन्हीं से मिलेंगे, रजा रब्बानी साहब से कैसे मिलेंगे? अगर रजा रब्बानी साहब को नॉमिनेट करे पीपुल्स पार्टी की गवर्नमेंट या वो गवर्नमेंट में हो तो हम उनसे मिलेंगे। इसका मतलब ये है अनुसार से कंक्लूड करते हैं कि छोटे मोटे पेटी इश्यूज पर और कोई बात नहीं हुई, एमकेएम पे ही तो बात हुई। यकीन दिलाता हूं कि पेटी इश्यूज पर बात नहीं हुई जी, और अहम फोकस एनआरओ रहा जी, और एनआरओ पे उनकी तवक्कुआत ये थी कि आप हेल्प बेल आउट करेंगे, आपने नहीं किया शुरू में थी, लेकिन अब तो नेचुरली फिर सदर साहब ने भी फैसला कर लिया, यानी मुलाकात के दौरान भी, फैसला कर लिया कि आपके एनआरओ को पेश नहीं करेंगे पार्लियामेंट में, और आज वजीर आजम साहब ने भी कह दिया कि दफन हो गया। तो मैटर इज शौकत अजीज साहब का कोई रोल बीच में था वो भी, या हमारे शौकत अजीज साहब का कोई रोल नहीं था? अच्छा वो आए तो शायद ये तासुर हुआ कि शायद वो भी, देखिए ना दुबई एक ऐसी जगह है कि सिर्फ शौकत अजीज साहब नहीं, बहुत तेरे और लोग यहाँ मौजूद होंगे, माजी के लीडरान और हाल के लीडरान, हो सकता है मुस्तकबिल के लीडरान भी यहाँ मौजूद हो। तो दुबई पर किसी पर आने जाने पर पाबंदी नहीं है, ये महज इत्तेफाक है कि वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का, और यकीनन आपकी इन बातों से बहुत से उभाम जो जहनों में पैदा हुए थे वो दूर हुए। बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। हवादीन हजरत, मोहम्मद अनवर साहब ने वाजह किया कि एनआरओ पे उनका मौका वाजह, कोई लचक नहीं, रहमान मलिक साहब जो ताउन चाहते थे वो उन्हें नहीं मिल सका, और जाहिर है दीगर सियासी कूदों की तरह एमक्यूएम भी इस जमहूरी निजाम के गिरने का खतरा भांपते एक इंतहाई मोहतात लबोलेज अख्तियार करिए। इसलिए थोड़े को बहुत जान के कम से कम ये तो तय के यहां आटे चीनी बल्दियाती निजाम वगैरह पे तबादला ख्याल नहीं हुआ, और फिर उधर एतजाज एहसन क्या मशवरा जरदारी साहब को देकर आए हैं। एक वक्फे के बाद सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर बैरिस्टर एतजाज एहसन।